पापा आज माँ भी होती तो कितना मजा आता ना। मुझे मेरी बेटी मिल गई, दुनिया की हर खुशी मिल गई। अरे तुम लोग देखते क्या हो, शहर भर में जाकर हंगामा कर दो कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी होगी जिसमें शहर का हर बड़ा आदमी बुलाया जाएगा। नहीं पापा आज नहीं। क्यों? इसलिए कि इस शहर का सबसे बड़ा आदमी आज शहर में नहीं है। वो कौन? अर्जुन। कौन है वो? अपना अर्जुन। ए नंबरी सेठ, हम तेरे को 4 दिन से ढूंढते हैं, मगर तू किधर है? जरा इधर घूम के तो देख, लगती हूँ ना असली छाप सेठानी। कल की रोजी आज। अरे ये रोजी रोजी क्या करता है? मेरा नाम अनुपमा है। पापा मुझे प्यार से अनुपमा है। अनुपमा बोलो। खैर जाएगा मैं, तुम जो भी बोलता है ना सब अच्छा लगता है मुझे। ए मैं, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं, तुम हमारे आगे आगे क्यों जाते हैं? तो और कहाँ जाऊँ? मेरे घर। माय गॉड, क्या घर है मेरा। पापा मेरे मिलने की खुशी में बहुत बड़ा पार्टी देने को मांगते हैं, अगर मैंने बोला नो अर्जुन नो पार्टी। आज तू मिल गया है, पार्टी जरूर होगी, पापा तो सुन के बहुत खुश होंगे। दोनों में से कोई तो खुश होगा। होगा होगा जरूर होगा। अनु, एक बाप अपनी बेटी की मदद करने वालों से मिलकर जरूर खुश होगा। पापा अपना हेल्प अर्जुन के सिवा और किसी ने नहीं किया, और अर्जुन के सिवा अपने फ्रेंड भी कोई नहीं। अर्जुन बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। काम क्या करते हो? करमचंद, जेब काटने वाला खास नहीं खाता करता। पुलिस अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? कही कि जहाँ तुम्हारे पापा ने शहर का शरीफ रईस को इनवाइट किया है, वहाँ शहर का छटा हुआ बदमाश भी मौजूद है। मैं समझा नहीं। बड़े साहब के कहने का मतलब ये है कि आपकी सभा में जो लोग मौजूद हैं वो शहर की नाक हैं और मैं नाक काटने वाला। अगर आदेश मातृभाषा में होता तो मैं समझ गया होता। समझाने पे आया तो तेरे बाप को भी समझा सकता हूँ बेटे। देखिए भरी सभा में आपने मुझे अपना बेटा कहा है। माना कि तुम अनु के पहचान वाले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी की इंतहा छूने लगो। आखिर तुम हो कौन? अनु। जो मेरे अर्जुन को बुरा समझेगा मेरे ठेंगे पर। अनु बेटी, अब तुम पुराने रिश्तों को भूल जाओ। पापा सबसे पुराना रिश्ता तो आपसे है। अनु बेटा, हमारा खानदान, हमारी इज्जत। आपकी इज्जत? आपकी बेटी 20 बरस तक फुटपाथों पर पलती रही, कौन जाने कल 40 लग जाए और अर्जुन का भी कोई ऊंचा खानदान निकल आए। नंबरी सेठ, जाली नोट बनाने वालों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाली नोट बनाकर तुम अपनी जिंदगी के तमाम दागों को धो सकते हो। कैसे? भाई ये तुम्हारा हवलदार किसी जमाने में एक नवाब साहब का चमचा था। अरे भाई चमचा क्या, उनका हुक्का भरता था और वो नवाब साहब जाली नोट बनाते थे। हाँ, और उन जाली नोट बनाने वाले नवाब साहब का असली दिल दिलरुबा दिल्ली वाली पर आ गया। अरे एक नाचने वाली है और इस नाचने वाली ने नवाब साहब को वो नाच नचाया कि हाँपते हाँपते नवाब साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और वो जाली नोट बनाने वाली मशीन की मालकिन दिलरुबा दिल्ली वाली बन गई। कहाँ है वो दिलरुबा? भाई पहले दिल्ली में रहती थी, आजकल बंबई आई हुई है, ठिकाना बदलती रहती है ताकि पकड़ी ना जाए। दिलरुबा दिल्ली वाली? हाँ, लेकिन वहां ऐसे वैसे की डाल नहीं कर सकती। मतलब ये के दिल्ली वाली दिलरुबा अभी तक नवाब साहब की कमी महसूस कर रही है। भाई अपना अपना शौक है, किसी को कबाब पसंद, किसी को नवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लगता है दिलरुबा दिल्ली वाली दिल्ली के लाल किले की लाल रंगत अपने चेहरे में समेट लाई। अगर इजाजत हो तो छूलो। मेरा पेशा सिर्फ गाना है। और मोहतरमा, नवाब साहब का पेशा सिर्फ गाना सुनना है? ओफो, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि इस वक्त मेरे गाने का वक्त नहीं है, आप लोग शाम को आइएगा जब लोग आते हैं। जब लोग आते हैं? मार डाला, फना कर दिया, हम और लोगों के साथ। दिलरुबा दिल्ली वाली, हमारा जनाजा कभी इतनी जलालत से नहीं निकला था। क्यों, मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? मोहतरमा, नवाब साहब लोगों के साथ नहीं मिलते। अजी अगर लोगों के साथ ही मिलना होता तो जंगे आजादी में ना कूद गए होते। अगर लोगों के साथ ही मिलना होता तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जुलूस में ना शामिल हो गए होते।
जरा सोचिए तो, जो शख्स बिना सुने आधी जायदाद आपके नाम लिखने को तैयार है और आधी का आधा हिस्सा आपकी औलाद के नाम लिखने को तैयार है। पर मेरी तो एक भी औलाद नहीं है। मोहतरमा जरा ताल्लुकात आगे बढ़ाइए तो हो जाएगी। जी मेरा मतलब है कि बाकी की जायदाद भी आपके नाम हो जाएगी। तो आपकी बात पर यकीन कर लो। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहती हैं तो जरा सोचिए अपना और इस निगौड़ी हथेली का, जिस पर इनाम की मेहंदी लगे एक मुद्दत हो गई है। लीजिए। बस इतना ही? बाकी उस हाथ लूंगी, इस हाथ दूंगी। देंगी ना? इंशाल्लाह। और ना चाचा पान पकड़ाओ। अब अल्लाह रखा। कसम अल्लाह की बहुत देर लगा दी। आदमी तैयार हैं? ड्रामा कंपनी के एक्टर बिल्कुल फिट खड़े हुए हैं। अल्लाह इनको डायलॉग याद करवा दिए। आज सवेरे से रिहर्सल करवा रही हूँ। और वो खून तैयार है? खून की बात नीचे है मेरी जेब में। हुजूर, आप तो लाल किले की लाली को छूना चाहते थे ना? वो मैं दिल्ली जाकर छू लूंगा। दिलरुबा दिल्ली वाली आपकी खिदमत में है। साहब मर गए, कहाँ हैं आप? इन्होंने मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। मेरे लंगड़ा? हाँ साहब। क्या हुआ? देखिए ना कमबख्तों ने मार मार कर आपके दीवाने का क्या हाल कर दिया। आप हमारे मेरे लंगड़ा को मारा? जी मारा ही नहीं, पीटा भी। वही बता रहे ना कि मियाँ की जूती मियाँ के सर, मेरी ही जूती से मुझे मारा। मगर क्यों? मेरी दुकान से हार खरीद कर इन्होंने नकली नोट दे दिए थे। कुछ ये ठीक बोलते? मैं गवाह हूँ हुजूर, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है बकार चश्मे का चश्मदीद गवाही देता चला आ रहा हूँ। मुझसे तो कचहरी वाले हुजूर कुरान शरीफ पे आज भी निदरवाते हैं। अमीरे लंगड़ा जी हजूर, खानदान हापुस में आम भी नकली नहीं होते, तो ये नकली नोट कहाँ से आ गए? वो तो मोहतरमा ने इनाम के तौर पर मेरी हथेली रंगी थी। अब बोलो ना मोहतरमा, वरना इस बुढ़ापे में मुंह काला हो जाएगा। पुलिस तो पुलिस, घरेलू बेगबाद भी जूतियों से मारेंगी। ये जाली नोट आपने दिए थे? जी मैं अमीरा लंगड़ा जी हजूर, इनका बिल कितना है? हजूर 452 रुपया। तुम जानते हो हम हिसाब में जरा कमजोर हैं। ये लो रुपया 1000 और हो जाओ दरकिनार। अरे मेरी जूती। और सुनो, इस बात का जिक्र एक दूसरे की बीवी से भी मत करना, अब जाओ भी। मैं बोल लो, अब जाली नोटों के बारे में क्या बोलना चाहती हो? हुजूर, गरीब की छोली में न जाने किस किस के दाने, यहाँ पर हजारों लोग गाना सुनने के लिए आते हैं, न जाने कौन दे गया हो। असली नोट लेकर नकली नोट चलाने वाली दिलरुबा दिल्ली वाली। आपने मुझे गलत समझा है। खानदान हापुस ने अगर किसी को गलत समझा तो वो खानदान मुगलिया है, समझी? नवाब साहब, दिलरुबा दिल्ली वाली जब हम अपना निजूमी इरादा किसी के चेहरे पर गाड़ देते हैं तो फिर उसकी रूह का एक्सरे कर लेते हैं। हम ये जान चुके हैं, देख चुके हैं कि तुम्हारे चेहरे पे है लाली मगर अंदर से है रूह काली। ऊपर लोगों के लिए मैं खाना और नीचे नोट छापने के लिए तय खाना। जी मेरा लंगड़ा। जी हजूर। तुम वो रामपुरी तक्कू लाए हो? हजूर वो रामपुरी तो घर भूल आया हूँ, लेकिन ये वाशिंगटनपुरी तमंचा है। इसमें कितनी गोलियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हजूर। लेकिन एक छोटी से छोटी गोली भी बड़े से बड़े फौलादी आदमी को खत्म कर सकती है। और फिर ये तो मोहतरमा है गाने वाली। तो पूछो अपनी मोहतरमा से। पूछता हूँ। क्या जेल जाना है? जाना है। क्या ठिसुम गोली खाना है? गोली खाना है। या राज बताकर हमें अपना राजदार बनाना है? बोलो मोहतरमा, जार जार रोना है या हमें अपना राजदार बनाना है? मैं देसी फिल्मों के विलन की तरह से 3 गिनता हूँ। अंग्रेजी में? जी हाँ, बजा फरमाया। 1, 2 जरा रुकी रुकी रुक गया। मैं सब बताती हूँ। ये रही नोट छापने वाली मशीन और वो कागज,
ये रहे ब्लॉक्स। मोहतरमा तरतीब इस्तेमाल। ब्लॉक यहाँ लगाया जाता है और ये कागज यहाँ रखा जाता है। बटन दबाया और मशीन चालू। जादू। दूसरी तरफ का दूसरे ब्लॉक से छपेगा ना? जी हाँ। डरता हूँ। मेरे पापा से? नहीं, अपने आप से डरता हूँ। क्यों? रोजी, जब पाताल करवट लेता है ना, तो पहाड़ काम जाते हैं। जलजला आने से बहुत कुछ गिर जाता है। अरे गिरने दो, अपने बाप का क्या जाता है? रोजी, अगर तुम्हारे बाप का सब कुछ चला गया तो क्या? 10 नंबरी जिंदाबाद। इतना भरोसा? देख बातों में मत टाल, अब घर चल। पापा तुझसे आज बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। जरूरी? हाँ, कह रहे थे अर्जुन आ जाए तो उसे मेरे कमरे में अकेले भेज देना। अनु मेरी इकलौती बेटी है। आपकी अनु मेरी जिंदगी की इकलौती रोजी है। उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ तो मैं मुंह मांगे दाम दूंगा। कितने? 10,000। बस 20,000, 30, 40, 50,000। 50,000? ये फिल्म रिड्यूस रेट पे चलने वाली नहीं सेठ जी। ठीक है, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा। 1,00,000 से ना तो आपकी तिजोरी भरने वाली है और ना ही खाली होने वाली, इसलिए मैं आपको सिर्फ 1,00,000 नहीं बल्कि 2,00,000 रुपए देता हूँ। ये रही आपकी भाषा, आपकी जबान, कागजी नोट। सेठ जी, अगर दुनिया के बाजार में सब चीज बिकने वाली है ना, तो फिर मैं आपका खरीदार हूँ। अर्जुन। सेठ जी, रोजी की जिंदगी का फैसला खुद रोजी करेगी। और हाँ, अगर आपको अपनी कीमत कम लगे ना तो कहलवा भेजिएगा और नोट भिजवा दूंगा। शुभ रात्रि। गुड नाइट। क्या होती है नोट? ये नोट ये 10 नंबरी किसके आते हैं? ये नोट 10 नंबरी के हैं। 10 नंबरी और इतने नोट? मालूम होता है कोई अंबे चौड़े खेल में है ये। ऐसे तो सर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी हमें।